अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एंगल ग्राइंडर हम लोगों ने डिवॉल्ट कंपनी का परचेज किया है, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बारे में आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशन है वो दूंगा, फर्स्ट लुक उसकी हम देखेंगे और एंड पे हम लोग उसकी प्राइस देखेंगे। तो ये 5 इंच का एंगल ग्राइंडर हम लोगों ने परचेज किया ग्रास से और ये मैंने 11-11 की सेल में इसको ऑर्डर किया था। इसको मल्टीपल इसके यूजेज होंगे, इससे हम कटिंग का काम भी लेंगे, इससे हम लोग सैंडिंग का काम भी लेंगे और इससे हम लोग पॉलिशिंग का काम भी लेंगे। ऐसा ग्राइंडर मैंने परचेज़ किया है जिसके अंदर हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीड कंट्रोल करने से ही इसको सैंडर के तौर पे या पॉलिशर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए कि ये इस किस्म का बॉक्स है, मॉडल नंबर इसके अंदर 8914 लिखा हुआ है और ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई, एंगल ग्राइंडर लिखा हुआ है इसके अंदर, इसकी एक तस्वीर बनी हुई है और इसके ऊपर उसके कुछ जो फंक्शन ये परफॉर्म करेगा उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बनेगा। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसको अनबॉक्स कर दिया है। सबसे पहले इसके साथ आए हैं कुछ ग्लव्स जो प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की प्रोटेक्शन वाली चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब भी हम इसको करें ये हार्डली इसको पहनने में शायद 30 सेकेंड लगते हैं, बट इसकी प्रोटेक्शन बहुत बेहतर होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है ये, लेकिन फिर भी समथिंग देयर डन होगा। दो इसके साथ ही इन्होंने हमें दिया डिस्क, ये डिस्क जो है इसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ क्योंकि ये 5 इंच का मेटल ग्राइंडर है। तो इसके साथ ये देखिए ये 5 इंच की डिस्क है, 125 मिलीमीटर इसके ऊपर इसका साइज लिखा हुआ है, 100 मिलीमीटर 4 इंच होता है और 125 मिलीमीटर 5 इंच की डिस्क होती है। तो ये इसके साथ सेलर ने 2 डिस्क जो है वो एज ए गिफ्ट दी हुई है और आई एम वेरी थैंकफुल टू द सेलर, ही इज बीन वेरी काइंड। उसने एक डिस्क मुझे कहा था फ्री गिफ्ट देने के लिए, बल्कि उसने एक्चुअली में 2 डिस्क मुझे सेंड किए और बहुत शुक्रिया उसका। मेरी कहना है कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी नहीं लगती, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए। फिर ये इसका प्रोटेक्शन कवर है, इसकी प्रोटेक्शन कवर अगर आप इसको मैनुअल ग्राइंडिंग के लिए या कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन कवर आपको उठाना होता है। इसका साइड हैंडल है, कोई अच्छी क्वालिटी का तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास एक्चुअल ग्राइंडर, ये आप देख सकते हैं डीवॉल्ट कंपनी का है ये और इसके ऊपर डिटेल्स अगर मेंशन है तो देखिए कि डिटेल्स इसके ऊपर मेंशन है। ये 1100 वॉट का है, 10,000 RPM की जो है जो टॉप स्पीड है और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से मैंने ये ग्राइंडर परचेज किया है वो इसके अंदर इसकी ये वेरिएबल स्पीड ऑप्शन का होना है, क्योंकि ये ग्राइंडर मुझे सिर्फ और सिर्फ कटिंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए यूज नहीं कर रहा था, मुझे ये ग्राइंडर मल्टीपर्पज रोल के लिए चाहिए। मुझे अपनी गाड़ी की पॉलिशिंग करनी होती है, उसकी बफिंग करनी होती है, उसके लिए मुझे ग्राइंडर की जरूरत है। जो ग्राइंडर मल्टीपल स्पीड नहीं होता या वेरिएबल स्पीड नहीं होता, उस ग्राइंडर की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, उसको आप ऐसे बफिंग पॉलिशिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते ऐसे पॉलिशर। बट इस ग्राइंडर के अंदर वेरिएबल स्पीड का बटन अवेलेबल है, ये देखिए ये 1 से लेकर 7 तक की मैक्सिमम स्पीड है। तो ये ग्राइंडर आपको पॉलिशर के तौर पे हेल्पफुल हो सकता है। आगे हम इसका जाके एज ए पॉलिशर इसको टेस्ट करके भी देखेंगे कि इसने ये अपनी यूटिलिटी पूरी की है या नहीं। तो चलिए इसको अभी फिलहाल हम साइड पर रखते हैं। इसकी मैं अगर आपको वेट के बारे में बताऊँ तो ये अच्छा सॉलिड मुझे आइटम लग रहा है, इसका तकरीबन कोई 3-3.5 kg वेट होगा आपको। और देखते हैं इसके अंदर पैकेजिंग क्या कुछ मौजूद है।
ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसका पेपर वर्क है, इसके अंदर इसकी डिजाइन लिखी है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये रफ ग्राइंडिंग कर सकता है, फाइन ग्राइंडिंग कर सकता है, कटिंग भी कर सकता है, वायर ब्रश है, फ्लैनल पॉलिशिंग कर सकता है, रबर डिस्क और मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर मैंने तीनों जो है परफॉर्म कर सकता है। तो बाकी को हम चलाने की बात पता चलेगा और ये इसकी की है जिसके जिससे हम इसको ओपन करेंगे इसका। तो चलिए इसको देखते हैं, उसके अंदर कुछ इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे होगा। इस वक्त क्लोज व्यू में भी आप देख लीजिए कि ये आइटम इसके साथ मौजूद है। इसके अंदर ग्राइंडर है, इसका इसका सेफ्टी कवर है, इसका हैंडल है, सेफ्टी ग्लव्स मुझे उसने एज ए गिफ्ट दी है सेलर ने, और दो डिस्क्रिप्शन में सेलर ने एज ए गिफ्ट दी है, और इसके साथ इसकी एक की है और कुछ इसका पेपर वर्क है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द पैकेज। और अब हम इसको मेरा ख्याल है कि ट्राई करके देखते हैं कि एक दफ़ा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसको मैंने स्विच में लगा लिया है, ऑन कर लिया और हम इसको देखते हैं कि इसकी कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। ये ग्राइंडर हमारा एंगल ग्राइंडर असेंबल हो चुका है। आपको मैंने इसकी असेंबल करने की वीडियो दिखाई थी, उसके बाद जब मैंने इसको ट्राई किया था तो इसके अंदर एक छोटा सा इशू आया था, वो ये कि इसका जो प्रोटेक्शन कवर है वो इसकी प्लेट के साथ टच हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्लेट डिस्क इसकी पूरी तरह नहीं घूम रही थी। तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ काम नहीं था, मुझे थोड़ी सी उसको चोट लगानी पड़ी है, इसके ग्राइंडर कवर को थोड़ी सी चोट लगाई है। तो ये अब इसके अंदर ये देखिए आप, अच्छा खासा गैप आ गया है और ये प्लेट जो है वो सही तरह रोटेट हो रही है। इसको बस एक दफ़ा हम लोग ज़रा टाइट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लेट इसकी अब टाइट हो गई है और इसके अंदर कोई प्ले नहीं है। हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है। इसकी स्पीड बढ़ाएं तो ये इसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। जी तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। मैंने कोशिश की है कि इसका जो बेसिक आपको ओपन इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी जो फर्स्ट रन है वो मैं दिखा सकूं, जो इसके अंदर इशू मुझे फेस करना पड़ा वो भी मैंने आपको बताया है। होता ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स, बेसिकली ये डाइवॉल्ट का एक्चुअल डाइवॉल्ट का नहीं है, ये डाइवॉल्ट के एंगल ग्राइंडर की फर्स्ट कॉपी है। जो डाइवॉल्ट का एक्चुअल ग्राइंडर है वो ऑल अराउंड वो 15,000 या अराउंड 16,000 का था। मुझे इतने हैवी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है, मुझे तो ये ग्राइंडर चाहिए था एज ए पॉलिशर। बट पर्पज ये था कि पॉलिशर के अलावा अगर आपको कभी कोई कटिंग की ज़रूरत पड़े वो भी इसके साथ मैनेज की जा सके। एनी हाउ ये था फर्स्ट लुक था इसका। तो इसके बाद अगर इससे कोई काम हम करेंगे तो उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा। स्पेशली इसको अगर मैं अपनी गाड़ी के को एज ए पॉलिशर यूज़ करता हूँ तो मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून गाइस, इसके ऊपर कोई अपडेट होती है तो इंशाल्लाह जरूर देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई अगर उसकी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।